गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, हम लोग नीलू एक कुत्ते के विषय में कहानी है बहुत मनोरंजक, उसे पढ़ रहे थे, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। उसमें उसकी विशेषताएं, पहले उसकी माँ के लूसी के बारे में पढ़ा, अब फिर उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आइए आगे पढ़ें। हिंसक और क्रोधी भूटिए बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में उसे किसी भी पशु पक्षी पर झपटते, उसे मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे सब देखने वालों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया था। ठीक है, मेरे बंगले के रोशनदान में प्रायः गौरैया तिनको का घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके प्रेम पूर्वक बनाए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। गुड मॉर्निंग, अच्छा नहीं लगता था। अतः कालांतर से उनमें अंडे और पक्षी शावकों की सृष्टि सी बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते, वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयासों में रोशन दानों के नीचे से गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वाले पक्षियों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं बच्चों को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़े रहता था, या मेरे हाथों में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता। मेरे साथ साथ घूमता पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष में उसमें रहने वाले का निरीक्षण करता रहता था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। रात में कई कई बार कंपाउंड और पशु पक्षियों के घर के चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतरी सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर दीवार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते दूसरे के कंपाउंड में जा निकले। उसमें से कई जो इस अभियान में आगुआ थे जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए जाते थे। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोश में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा। उसने खरगोश के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूद कर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोश को बाहर निकालने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और वो कई दिन तक इंजेक्शन दवा का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत स्वभाव से कड़वी दवाई पी लेता था, पर सुई भी लगवा लेता था। एक बार जब मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल
में ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। तब 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया। तब डॉक्टर ने से अनुमति लेकर अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह से चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे कौन? महादेवी वर्मा जी, जो इस कहानी की रचयिता हैं, ठीक है। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, पर उस जिसके बुरा मान जाने से मुझे चिंता होती थी, ऐसा कोई भी ना। जो महादेवी वर्मा जी थी, वो अपने पालतू जीव जंतुओं को बहुत ही प्रेम से रखती थीं और नीलू से उनका विशेष लगाव था, ठीक है, क्योंकि नीलू उनकी भावनाओं को समझता था, वो नीलू की भावनाओं को। ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं। कहानी से मौखिक प्रश्न है, नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है? उसकी माँ लूसी की। लूसी की दोस्ती किससे हो और कहाँ हुई? उत्तरायण में एक दूसरे जानवर से। जन्म के बाद लूसी के दोनों शावकों का क्या हुआ? एक मृत्यु को प्राप्त हो गया और एक नीलू था। किसके ना आने का संदेशा किसी के आने का संदेशा नीलू कैसे देता था? महादेवी वर्मा जी के द्वार पे खड़ा हो जाता था। नीलू को कितने वर्ष का जीवन मिला? का जीवन कितने वर्षों का था? 14 वर्ष। ये देखिए प्रश्न उत्तर भी, आपको क्या करना है, सही गलत। उत्तरायण के निवासी लूसी की कमर में रुपए और सामग्री की सूची बांध देते थे। शौर्य सही है कि गलत है? गायब। सही। लूसी को सामान मंगाने वाले भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं होती। सही। लूसी ने 5 बच्चों को जन्म दिया। गलत। नीलू के भय से उड़ने गिरने वाले पक्षी सुरक्षित थे। सही। नीलू का जीवन काल 10 वर्ष का था। गलत। उसका काल 14 वर्ष का था। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करते हुए रिक्त। शीतकाल में उत्तरायण का रास्ता बर्फ। लूसी शावक के दूध के अभाव। इसमें स्वेटर हो जाएगा, इसमें निरीक्षण हो जाएगा, ठीक है। चतुर। चतुर कौन होता है? चंचल। चतुर राजा हो सकता है, ठीक है। बुद्धिमान बीरबल हो गया, बर्फीला रास्ता हो गया। देखिए ये विशेषण है, इसके विशेष आपको लिखना है। चंचल बालक हो गया, जंगली जानवर हो गया, काली घटा हो गई, कड़वी दवा हो गई, ठीक है। और बेगवती, इसका ढूंढिए, लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम को छांटिए। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, इसमें वे होगा, उन्होंने, वह, उससे, मुझे, वह, ठीक है। धरती पर्यायवाची, धरती का क्या होगा? उचित पर्यायवाची के सामने धरती, पृथ्वी और वसुधा। कुशलता, दक्षता और निपुणता।
अभिमान, घमंड, अहंकार। आरंभ श्री गणेश, ठीक है। ये देखिए महादेवी वर्मा जी की ये कहानी थी। आप कॉपी में क्या करेंगे, नीलू हेडिंग डाल के ये कठिन शब्द उतारेंगे। पेज नंबर 31 में शब्द अर्थ है, सारे शब्द अर्थ उतारेंगे। फिर ये प्रश्न उत्तर है, आप इसको कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, नीलू चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, आप लोग सब अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। गुड डे चिल्ड्रन, गुड डे बेटा, गुड।